नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। जम्मू कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले, 7 जवान शहीद। आतंकियों ने अपने किस्म के पहले दो हमलों में जम्मू को चौंका दिया। उन्होंने पहली बार सीमा पार कर बीएसएफ की चौकी पर हमला किया और साथ ही एक अन्य ग्रुप ने नगरोटा स्थित सेना की 100वीं कोर के मुख्यालय से सटी रेजिमेंट के ऑफिसर मेस पर भी हमला बोल दिया। दोनों ही हमलों में बीएसएफ और सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। 7 आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना को अपने 2 अधिकारियों समेत 7 जवान की शहादत देनी पड़ी तो बीएसएफ की डीआईजी रैंक के अधिकारी समेत 8 जवान जख्मी हो गए। आतंकवादियों ने मंगलवार सुबह जम्मू में 16 कोर मुख्यालय नगरोटा के निकट सेना की 166 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट पर फिदायनी हमला कर ऑफिसर मेस पर कब्जा कर लिया। भारी मात्रा में हथियारों से लैस 4 से 5 आतंकवादियों ने सुबह 6:45 नगरोटा हाईवे के पास रेजिमेंट के गेट पर ग्रेनेड डालकर हमला किया। आतंकी सुबह किसी वाहन में श्रीनगर की ओर से आए, वो उन्होंने अति संवेदनशील नगरोटा कोर मुख्यालय के निकट जम्मू श्रीनगर पर बलोनी पुल के पास सेना की रेजिमेंट पर हमला किया। नतीजन हाईवे पर ट्रैफिक कर दिया गया, जिस कारण वैष्णो देवी जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। यहाँ आज भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद के दौरान यह पहला अवसर था कि आतंकियों ने नगरोटा स्थित कोर मुख्यालय और उसके सटी रेजिमेंट मुख्यालयों पर हमला करने की हिमाकत की हो। सेना ने 8 घंटों की मशक के बाद 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले में सेना के मेजर रैंक के अधिकारी कुणाल, एक जेसीओ तथा एक अन्य जवान शहीद हो गए तथा 5 अन्य जख्मी हो गए। जिस प्रकार आतंकियों ने नगरोटा में पहली बार आत्मघाती हमला किया था, ठीक उसी प्रकार उन्होंने पहली बार जम्मू सीमा को पार कर इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित बीएसएफ की चौकी पर भी हमला किया। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले में बीएसएफ के एक डीआईजी रैंक के अधिकारी बीएस कसाना समेत 8 जवान उस समय जख्मी हो गए जब वे आतंकियों के शवों का निरीक्षण कर रहे थे तो शवों में बंधे हुए बम फूट गए थे। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, उड़ानों पर असर, रेल यातायात प्रभावित। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग को बंद करना चाहते हैं जंग। कश्मीर में बदमाशों ने स्कूल में फेंके 2 पेट्रोल बम। तमिलनाडु में 10 देसी बम बरामद। तुर्की के छात्रावास में लगी आग, 12 की मौत।